दर्शकों एक्टर्स ऑन स्टेज के पंजाब नाटशाला वालों तुम सारिया आने आया बहुत बहुत स्वागत। बड़ा अच्छा लगता कि तुम साल इतने आते हौसला बढ़ाते हो। अज जेड़ा कि असी इत नाट रंग 2016 तक जोड़ा है नाटक फैसटिवल मना रहे हैं, अब दूसरा दिन है। अज असी इतने कैनवस जोड़ा नाटक जिमें कि तुम जानते हो उसकी पेशकारी कर जा रहे। ये जो कैनवस नाटक है इस जोड़ा है ये एक्टर ऑन स्टेज पेश कर रहे हैं। तो इस नाटक के बारे बाकी तुसी आप खुद देखो तो सारा जोड़ा है सस्पेंस ही रखना चाहवागा। बाकी जोड़ा अज के साथ मुख्य मेहमान जोड़े ने वो श्री एस पी सूद साहब सैशन जज जोड़े कि तरन तारण तो आए हैं, उन्होंने असं जी आया कहने। साडे गैसट ऑफ ऑनर जोड़े है सरदार गुरदीप सिंह कंधारी जोड़े कि मैनेजिंग डायरैक्टर ने कोका कोला के, उन्होंने भी जी आया कहने। बाकी जोड़ा है अज का नाटक जोड़ा है ये एक घंटा तो 10 मिनट का नाटक है। इसनों डायरैक्ट किया दीप मनदीप जी ने। दीप मनदीप जी बारे मैं जरूर कुछ दसना चाहवागा कि ये लगातार पिछले 17 साल तो साडे नाटशाला के नाल इन्होंने अटैच ने। इन्होंने बहुत सारे कई 100 परफॉर्मेंसिस इस मंच से कर चुके ने। इन्होंने जेडे खास करके हम डायरेक्शन भी कर रहे ने, जिन्हां नाटकों इन्होंने डायरैक्ट किया उन्होंने नाटकों के नाम ने 5 इश्क, खंडे की धारते ऐ जिंदगी 101। जिन्हां दे विच जिहड़े वैसे 100 दे करीब नाटकों के इन्होंने जिहड़ा है एक्ट किया, जिन्हां दे विचों खास जिहड़े नाटक है गए एक डाल्स हाउस, लाल बत्ती, पायदान, प्रतापी, बाबा बंटू, कुदेसन सावी। ये एज एक्ट्रेस भी बहुत अच्छे कलाकार ने। एज डायरेक्टर तुसीं इन्हां दी जिहड़ा है डायरेक्शन का कमाल वेखोगे। सो हुण मैं ज्यादा देर तुहाडे ते नाटक ना रहिंदा होया तो बेनती है जरूर करांगा इक जिन्हां दे कोल मोबाइल फोन ने प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। मैं भी देख ला, मेरा भी पता नहीं बंद है कि नहीं। हाँ जरूर कर लो, जे कोई तुहानू खास इंपोर्टेंट कॉल आनी हो तो वाइब्रेशन ते लगा लो, जे उन्हें बाहर जाके अटेंड करके तो फिर तुसी इत्थे तुसी नाटक जिहड़ा हैगा देख सकते हो। दूसरा जे तुहाडे नाल कोई छोटे बच्चे ने जिहड़े कि जिवें कि असी कहने कि 5 साल तो छोटे बच्चे जिहड़े है नाटक नहीं समझ सकते, तो लगातार 1 घंटा 10 मिनट नहीं बैठ सकते। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਨਵਸ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੌਂਜ ਚ ਹਵਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ
मैनू लग्या जिवें मेरे पैर लोहन दे घा दे विच तस गए होण। कहा मेरे गिट्टियां तक आ गया होवे। मैनू महसूस होण लगा कि मैनू तुरन च भी मुश्किल आ रही। जब निगाह हेठां कीती तां घा मेरे गोड्यां तों उपर तक आ चुका सी। पहला मैनू घबराहट होण लगी, फिर हौली हौली उसे घा दा स्पर्श मैनू हिकूड़ा लगन लगा। ठंडा इस सीप नू महसूस करते हां जद मदहोश हो लगा ते कहा मेरे लख तो उपर तका जिने हौली हौली मेरा सारा जिसम अपने अंदर समोड़े। आठ का प्रोफेसर हां, जानता कि रंगा की मिलावट किवें होनी चाहिए। जेकर लाल रंग दे विच सफेद रंग मिला दिओ ते सोहना गुलाबी रंग बनता है। गुलाब का रंग खूबसूरती का रंग, ते जेकर वही लाल रंग दे विच हरा रंग मिला दिओ ता एक नीरस रंग बन जाता है जो शायद शायद तुहाडियां अखां नूं पसंद नहीं आउंदा। जिवें ओह गल मेरे कन्ना नूं पसंद नहीं सी आ। मैं ब्याह कराना चाहनी हां। हां पर क्यों? क्योंकि मैं ब्याह कराना चाहनी। मेरे कहने का मतलब है वो तो आज पढ़ रही है ना, तेरी मॉडर्न आर्ट की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है एक साल है ना। तेरा फैसला है और किता होएगा भाई? किसे दा भी हो सकता है। मैं अपनी जिंदगी के फैसले आप लेनी, कोई और क्यों? वेरी गुड। वैसे पूछोगे नहीं किस पे ना? भाई तू दसे बिना रह सकती है? मैं तो हाजे नाल ब्याह कराना चाहूंगी। सेरे नाल? हाँ। पर क्यों? क्योंकि मैं ब्याह कराना चाहूंगी। मैं ये नहीं पूछने, मैं पूछने कि मेरे नाल क्यों? एक ही वजह सवाल है, मेरे नाल क्यों किसी होर नाल क्यों नहीं? ऐसा तो दुनिया में हजारा लोग ने, हर कोई किसी नु वही पूछेगा मेरे नाल क्यों किसी होर नाल क्यों नहीं। ता मेरे कहने दा एक कारण है, एक खास कारण। की? तेनु पता है मेरी उम्र कितनी? एही कोई 45 साल। ते तू मसा 25 साल दी। तेनु पता है ना मैं उम्र विच यकीन नहीं रखती, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी। पर लोग की कहन, आखिर समाज भी कोई चीज है कि इन्हां नु कोई एतराज नहीं होएगा साडे इस रिश्ते तों? हां तुसी मैनूं 3 साल तों जान दिओ कि कदी तुहानूं लगे ए समाज बंधन मैनूं किसे गल्लों रोक सके ने। ओके ठीक है, मैं जानदा हां कि तू रवायती पन नूं अपनाउण दी खेचल नहीं करदी, ए काम सधारण वरगा। पर कदी सोचिया है इस रिश्ते नाल तेरे पेरेंट्स ते की असर पई? उहनां ते की असर होएगा? मैं ब्याह कराउण जा रही हां, नाले इक जुमता ने एंड जे असर होवे भी तां इहदे विच मैं की कर सकदी? आफ्टर ऑल ए मेरी लाइफ, मैनू पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी नाल जीना। नीता नीता तेनू तेनू यकीन है कि मेरे नाल ब्याह करवाने तो बाद तेरी जिंदगी का खिलाफ आ जाएगा? मेरी जिंदगी च कोई खिला नहीं। तेनू किवें समझावा? की समझाना चाहने हो? तेनू पता नीता तू बहुत सोहनी, शायद जरूरत तो ज्यादा सोनी। जरूरत कितों तक होंदी है? ओए एक हद तो बाद औरत दी खूबसूरती खतरनाक हो जाती है। मैनू अपने आप तो कोई खतरा नहीं, किसे होर नु ते हो सकदा है? हाय उस किसे दी प्रॉब्लम? जिदी जिम्मेदार तू होवे। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदार हूं, किसे होर दी नहीं। ते नाले ए कोई मेरे सवाल दा जवाब नहीं। मैं की जवाब दे? जो तुहानू ठीक लगे। देख मीता मैं तेनू कदे उस नजर नाल नहीं देखा। तो हुण देख लो। नहीं मीता साडी उम्र दा फासला, मेरी अखां अगे रिश्ता नहीं आउंदा। कि तुहानू मैं चंगी नहीं लगदी? नहीं मीता तू मेरी नहीं, कि मैं सोहणी नहीं? नहीं तू मेरी गल सुणा तो तुसी क्या कि मैं सोहणी आ? हां बहुत सोहणी है तू। ते फिर मुश्किल की है मीता? मैं जदों दी होश संभाली है मैं अपने प्रोफेशन तो हट के किसे रिश्ते नूं तरजीह नहीं दी। एक औरत तू भी ते फिर अचानक
अचानक उम्र दे इस पड़ा ते आके जदों मेरी उम्र ज्यादा बढ़न दी है। मैं कह रहा कि इस उम्र विच मैं कोई शरीर दी तकलीफ ता नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हां। मेरे कहने का मतलब है कि एक इस उम्र दे विच मैं किसी औरत दे नाल हूं। कितनी औरतां तो परहेज ता नहीं? व्हाट नॉनसेंस, की कह रही है तू? जवाब देता मैं उसको, उसने कहने जोगा कुछ छड्या नहीं सी। उसने कहने दे अंदाज दे विच एक ऐसी बेपरवाही सी, या कह लो कि एक ऐसा यकीन सी कि मेरे को ना करन दी कोई गुंजाइश ना। उसको बाहर चले, उसको बाहर चले दे, उन्होंने विच चापिया जिम्मे उधर मलूम जिस्म दे सारे रंग मेरे अंदर को फिर मेरी सफेद कैनवस ऊपर हजारा रंगा की बुछार हो गई। ओदे प्यार दी डोर ने मैनू लौन दे उस घा दे विचों ही बाहर कढ लिया सी जिस विच मेरे पैर दस गए सन, जिदा घा मेरे गिट्टिया तो हुंदा होया मेरे लख तक आ चुका सी, जिस कारण मैनू साह लैण च भी मुश्किल आ रही सी। ओदियां जुल्फां दी खुशबू ने मेरे साहां च रवान की ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੀਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਪੌਲ। ਵੈਸੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟ ਰਬਿਸ਼ ਕਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਹੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਸਿਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਓਏ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕਸੌਲੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਲਾ ਗਾਈਡ ਅੱਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਭੇਜਤਾ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿਸ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਛੱਡੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਕਿਪ ਕਰ ਲਈਏ ਅਖਰ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕਰੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਖਾ ਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੀਤਾ ਮੀਤਾ ਅਜੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਅਕਸਰ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟ੍ਰੀਟ ਹਰ ਲਾਈਕ ਅ ਲੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈ ਬੋਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈ ਬੋਲ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮੋੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਮੋੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੀਲਾ कैसा है संग उम्रां दे रंग गाढ़े हो गए उम्रां दे रंग गाढ़े हो गए पीटी हो गई कैनवस कोल तू रख बंसरी कैनवस कोल तू रख बंसरी होर ना कोई मंग होर ना कोई मंग रंगा विच तन्हाई ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੇਤਕੱਲਫ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ
वड्डी पार्टी की थी से अग्रवाल साहब ने। दिलदार बंदा है भाई, आखिर दोस्त किधर है? ताइयों ते जान नहीं मना कर रहे सी। उधर कारण तक कुछ और सी। उधर कोट कितना सोना लग रहा सी, ते उधर उठाई कितनी पाबरी सी उन्हें। किधी? वही जेड़ा तो आटे जवाई बारे पूछ रहा सी। हाँ, स्मार्ट लग रहा सी। पर ताई कुछ ज्यादा ही शौक नहीं सी उन्हें। जमान जहान बंदा उन शौक रंग नहीं पाएगा तो कि बुढ़े होके पाएगा। अरे इस बुढ़े ने तो बहुत शौक रंग पाया। कितने पाए? मैं तो कहती रही यार कोट पैंट पाके चलो, पर तू सीधे तिल्ले से कपड़े पाके तुर पाए। मैं कपड़े भी नहीं मिलता, तेरी गल कर। मैं जिन्नी बार तेनू देखता तो हर बार मैनू नवी रिपोर्ट लगती, तेरा हुसन डोल डोल करता है, जी करता एको ढीक ना। मैनू घबराहट होती। की होया मीता? पता नहीं, एक ग्लास पानी ला दो। मैं लेके आ। और वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़े लिए भी कोट पैंट सिलवा लूं, ना एक ब्राइट ब्लू रंग की शर्ट। बस ये सुन रहे यही कसर रही सी। दिल जवान होना चाहिए प्रोफेसर साहब, उम्र आज की रखे। वो तो बहुत जवान है बेटा, तू देखे ना ही से उसका। किसका? वही जरा थोड़े जवान भाई बारे पूछता सी। पता नहीं। हाँ वैसे अग्रवाल इंट्रोड्यूस ते करवाया सी पर रैंडम, बहुता बोझ ना पाओ दिमाग पे, हक जाएगा। रोज माते का देख। हुसैन साहब आज बड़े दूर दूर बैठे सी, हेलो कह के एंज पास से हुए जी, मैं जान दे ना। हर साल भाई आज जो ना दी हाई कमांड जो ना दिनाल सी। मतलब कि ना दी बी वाइफ यानी के शरीके हया। ओह ना दी बीवी सी? पर ना दी तो मिलवाई नहीं सर। किते मैं उन्हां दी बीवी दे चुमकियां दी तारीफ ना करते। मैं सब जानदा इन्हां करे दाल ते बाहर सब मार। तुसीं तां ऐ वी बचा रहे हुसैन साहब दा पोस्टमार्टम कर, पर हर किसे दी अपनी पर्सनैलिटी हुंदी है एंड नो वन कैन चेंज दैट। यस यू आर राइट। जी मैं अज तों पहले मैनूं इह नहीं सी पता कि ओह इन्ना वधिया डांस भी कर लैंदे ने। नाले ओह वी लिआया सी डांस फ्लोर ते, देखिआ नहीं सी कि मैं चूम रहा सी? कौन? ओही जेड़ा मेरे जवाई बात पूछ रहा। हाँ बढ़िया डांस कर रहा। हाँ भाई पाए थे औरता दे मगर मगर घूमदिया फिर बस नाल भी है जी सी औरता ने तो घूमना ही सी। पर तू तो मेरे को तक जरूरी था नहीं कि मेरी पसंद भी बाकी औरता ने पसंद ना मिलती हो। मैं जानता मैं चंकी तरह जानता, नहीं तो तू इस वेले रात के 12 बजे अदसाइया नजर आवा इस तरह मेरे वाल ना देखता। पिता एक गल पूछूं, तू खुश तो है ना? किसे खुश? बहुत। तेरे आने तो पहला मैं जिंदगी सिर्फ जी रहा सी, जिवे दिल सिर्फ धड़कता है, शरीर जिवे सिर्फ सा लेता है। तू मेरे जान पाती, तू मेनु संपूर्ण करता। बहुत थकावट अतेगा नहीं सुबह तू कुछ देर अपनी मां के घर क्यों नहीं चली जाती? क्यों जाऊं? देख ना साढ़े व्याह तो बाद तू एक बार भी ना करो, नाले तेरे पापा की डेथ तो बाद मैं लगता है कि उन्हें तेरी कमी महसूस होगी। मैं जो पानी लाता जो उन्होंने मेरी कमी महसूस होगी तो ये ना कहते कि तू साढ़े लिए मर गई। इंसान गुस्से च बहुत कुछ कह जाता है। मैं तो उदो विशांत सी था, अज भी शांत ते हुण जे मां भी मर जाए तो? नहीं मीता ऐसा नहीं कहीदा, मां है तेरी। मां है तेरे राशि का दे, मावा ऐसा थोड़ी ना करती। चल चल आ सो ये जा। मैं नहीं जाना पौर तुसी जाओ। ओहो चला अंदर रूम च बैठ के गल कर। प्लीज डोंट इरिटेट मी पौर, मैं क्या ना मैं आ जाऊंगी। लाइट ऑफ कर।
वैसे अजे ब्याह नहीं होया होना जे कमे ते गल करो ओही जेड़ा मेरे जवाई गर्मी का एहसास भी क्यों नहीं
क्योंकि तोड़े ना रहने दे मेरे जिसने कभी वो गर्मी महसूस ही नहीं की थी। जो उन राज को देख रहा हूँ, आज जब मेरे ना हाथ भी बलंद, टाइम चलता चले, चले मेरे सबर का बांध टूट जाएगा। तो मैं अपने सबर के बांध में इंतेहार ही हाथ तक टूटने तो पहुँचाऊंगा रे और जा, ताकि तेरा मासूम सवाल पर हो सकते हैं चल ना जाए। मैं अपने आप नू ਇਹ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਚੌਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਗਿਆ, ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। लाडली ती जो सी उन्हें सब ने तेनु बहुत मोहब्बत की, पर तू मोहब्बत ना कर सकी। ये तेरी जिद सी के यू मस्ट हैव मी। यही सच है, यही सच। तू मैनू ते कदे वेख्या नहीं, तेनु मेरे चो एक चौड़ा ही कहना है। तू मेरे चो किसे होर को पहचान नहीं देखी। किसे? शायद अपने बाप। तेरी मां ते पैन मन जानगे Thank you.
रंग विच मेरे कुछ रंग मेरे कुछ रंग तेरे रंग रंगा विच मिल जाते ने फुल मुरझाए खिड़ जाते ने कुछ सा मेरे कुछ सा तेरे साहा दे विच सा जद रलदे कायनात विच चार चुफेरे एक दिल मेरा एक दिल तेरा एक धड़कन जद हो जाते ने एक दूजे विच खो जाते ने कुछ चा मेरे कुछ चा तेरे जदों दी तू सुती मैनू जगाने सुती हुई तू होर भी हसीन लगती काश रात कभी ना रात ते कदों दी मुक्के या दीता चन्नो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕੁਛ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਬਾਗਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ अपने दिल की तड़पन कन्ना नु सुनाई देना मेरे दिल की गल सुनती है तेनू उसकी ताल ते ता मेरा दिल तड़प सच्ची ना बहुत खुश नसीब है कि मैनू तेरे वर्गी खूबसूरत बीवी मिली मेरा जी करता कि मैं बस तेनू वेखी जावा अच्छा उठो रोमांस दे बादशाह प्यार हो तुसी ता पक्के हो प्रोफेसर साहब पर मेरी हले नवी नवी नौकरी मैं लेट नहीं होना नहीं तू कितने नहीं जाना तू बस इतनी बैठी रह मेरे को अच्छा बाथरूम भी नहीं नहीं हाँ ठीक है जी कोई होर हुक्म आज हाई कमांड साड़ी गल की भी मान रही है अगे नहीं मान दी कितने मान दी है इफ यू रिमेंबर कल भी यहाँ अब पेंटिंग से यह पूरे करंदा बांध नसी तेरा तो मैंने कल लेने जाना प्यास ही क्लास वो भी तो जरूरी सी ना राज नाले हम मेरा मन नहीं करता किसी और जा जी करते ऐसी दो में बैठे भी कदे छत पे कदे सोफे पे गल्ला खाते रहे पर तुसी तो कल भी मेरी गल नहीं मनी ते आप तुर पे क्लब में अच्छा आज ऐसा नहीं करता आज तेनू नाल लेके तुरूंगा आज भी मैं नहीं जाना था भाई दोस्ता मित्रा लोग तक कुछ करना होता है ना दीदी यहाँ तो दोस्त दोस्त नहीं होता आप प्लीज नो ऑफेंस मैं जानबूझ के नहीं जा रहा सॉरी सुन भी ताड़ा था पहला ही ते तेरा भी ता तो पहला कभी किसे मार गुना कुछ हो रहा कितनी बार कुछ सवाल पूछो पता नहीं बस हैरान आ कि तेरे वर्गी खूबसूरत औरत ते कभी किसी का दिल ना आया होवे ये हो सकता मैं ये ता नहीं किया ते फिर कभी किसी भी आंखने कभी इंप्रेस नहीं कीता नहीं ते प्रोफेसर पॉल राज की लौड़ा पुरानी गल ना करन हुन दी गल तो हाडी ते मेरी नाले मैनु पसंद नहीं आपके पास पाए करना जड़े बर्बाद होंगे इस हुस्न के जलवे तो कतल होनो कौन बच सकता है अच्छा ते हुण असी काफिर भी हो गए भाई मजाक करता बीबी मजाक करता सच आखा पर तू इतनी सोहनी है कि मेरा जी करता मैं तेरी देखी जाना तेनू हर थां हर वेले नाल लेके तुरा ते तेरे रूप दे लिशकोर नाल लोकां दीआं अखां चुंधिया गईआं मेरे तो कोई खो नहीं
मेरा बस चले तक गब्बीच बंद करके रखा तेने अपने प्यार से यकीन में प्यार से तो पूरा यकीन है पर हुस्न दे तो खे बहुत बुरे ने दुनिया के सब तो यंग पोएट ने खूबसूरती बारे बढ़िया बढ़िया लाइना लिखिया ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर द लवलीनेस इंक्रीजेस इट इज नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल अच्छा प्रोफेसर साहब ए कवितावां जाके अपने लिटरेचर दे स्टूडेंट्स नु सुना ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड चलो जाके तैयार होवो लेट हो जावांगे ठीक है फिर तू सारे रोमांस ते पानी फेरता है तेनु पता भी है कवितावां किसने लिखिया सन किसने दुनिया दे सब तो यंग पोएट ने उसका नाम सी जॉन कीट्स ओ बहुत पहली उम्र में मर गया ओह शिट की होया यार बाथरूम याद कराता लगता हूं ज्यादा पैरा नहीं 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 राज होने तो कह रहे थे कि किट्स में करना और क्यों होया मैं पर टाइप फिर के तो स्पेंड कर ला मैंने प्रॉब तो ये प्लीज कर दो एक एक कविता और सुना दो आई एम सो क्यूरियस मीता कविता ना जिन्हें मर्जी सुन ली प्लीज मैं तो बात कर रहा हूं राज अच्छा ये दोस्तों के ब्रेक बज चुके खड़े हैं अच्छा मैं दोस्त एक काम करें ब्रेकफास्ट ना आंदे बना ली तो नेचर स्कॉल ने मेरे बेचारे जॉन कीट्स से रोमांस का सत्यानाश करता आंदे बना ली पर रात में तो खाना बनाने नहीं आता चलो मिसेस आज रसोई दी खैर में तो गोली खा के आराम कर मैं जल्दी आ राज
ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਕਾਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। मेरे तो उम्मीद ना करी कि मैं इस बोझ नू सारी उम्र सीने ते धर के चौदा रहूंगा। ਇਸੇ ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮਾਂ।
पति थोड़ा बना तू बनाया ही नहीं। पर मैं तो जिद्दी सा कौन मिले ना मानते मेरी से क्यों मेरी चोली राजपाल क्योंकि तेनु राज चाहिए जिन्हें मैंने चॉकलेट चाहिए थे सिंह हाँ मैंने ऐसे ही खुशबू पसंद है जिन्हें मिठी जलेबी ते पुण्य होए गोश्त की खुशबू शायद तू मेरी बीवी कदे ना बन सके पर उसी का बनी सा फिर उन्हें मेरे नाम ऐसा क्यों किया मेरे महबूब ने गिला कीता कि मैं कविता च रंग नहीं पाता जद लिखन लगता हाँ कूची च रंग भरता हाँ रंग कविता च जानो इनकार कर दे रूहां नूं रंग देंगे रंग एक दिन ऐसा है मेरे माया इकरार कर दे अज मेरी रूह प्यासी है कम ते उदासी है खाली है मेरा दाम ते बेरंग साथी कविता रंगन नहीं मेरे महबूब रंग सारे खुद इनकारी ने ओ मेरे रब्बा दस मैनू मैं की करता किवें करता मेरे महबूब ने गिला कीता कि मैं कविता च रंग नहीं पाता नहीं राज ये झूठ है मैं ते तेरी कविता वाले रंग आप देखे सुर्ख सफेद नीले गुलाबी मैं तो कभी ऐसा नहीं किया फिर तेनू मेरी गल कदे समझ के आना शायद मैनू समझण दा हुनर ही नहीं आउंदा हुनर तां कवि नूं भी कविता दा आप नहीं आउंदा ए तां इक इबादत है जिन्ना करी जाओ उन्ना अपने हुनर दे नजदीक हुंदे जांदा है पर मैं तां तेरी ते नीता जो कदी होया ही नहीं उहदा दम क्यों भरदा रिश्ते निभदे नहीं निभाएगा पर किद्दां जिवे प्यो दी मां पुत ते भैण भरा दे रिश्ते निभाई दे फर्क सिर्फ इना है कि वो खून दे रिश्ते ने ते ए दिल दिल दा जा जिस्मां दिल दा रिश्ता जिस्मां दे मेल तो बिना बेमेल जिवे तेरा ते मेरा सब समझ दी गल पर तू इन्नी बेसमझ भी नहीं कि कदी मैनू समझ सके पता नहीं ते अपने आप नहीं मीता ना तो तू कभी किसी नूं समझ सकी ते ना अपने आप हर दिल एक कोरा कैनवस जिस उपर मोहब्बत दे लफ्ज़ां नाल एक खूबसूरत इबारत उतरदी है उस इबारत उत्ते सोहणे रंग भर के जिंदगी दी कैनवस ते विश्वास दा फ्रेम चढ़दा है ते उमर भर दे साथ नाल एक कविता सजदी है मैनू काला रंग पसंद है कैनवस उपर सिर्फ काला रंग फेर के तस्वीर नहीं बन सकती ते लाल भी ते ना ही सिर्फ लाल रंग दे नाल तस्वीर सिरजे पर मैनू काला रंग बहुत पसंद है पर काली दा स्याही भी हुंदी है नीता पर की उसनू कागज उपर डोल देन नाल हर्फ आप मुहारे उकर आउणगे तू ता हर्फा दा खिडारी है ते तू अपनी जिंदगी क्यों खेड रही है इस नाल ए जिंदगी प्यार नहीं बनी है किसे दे साथ लई बनी है पर तू अपनी जिद अपना प्यार अपना आप ही लोचदी रही कल्लियां तस्वीरां च रंग भरना जिंदगी रंगीन नहीं हुंदी मीता मेरियां तस्वीरां बोलदियां ने इन्हां च जान है ते इन्हां च मैं बोलदी सारे मैनू प्यार करदे ने पर तुसी दोवें मेरी गल ही नहीं मानदे जे तुसी मेरी गल ना मनी ना तां मैं अपने सपन असली जहर
तेरे अंदर को चुका। कैनवस जिन्हों लिखिया ते डायरेक्ट किया दीप मनदीप जी ने, मैं हूं दीप मनदीप जी ने बहुत ज्यादा मंच से आ दीप मनदीप के कलाकार नाल तुहाडी जान पहचान करा नाल दे नाल असीं चाहवांगे कि उन्हां दी कलाकारां नूं सर्टिफिकेट दे दित्ते कि साडी नाटशाला दी रवायत है कि कलाकारां नूं जिन्हां ने इत्थे परफॉर्म कीता हुंदा उन्हां नूं असीं सर्टिफिकेट्स देने असीं दोनों नाटक जो कल वाला नाटक जरा है उसके भी इसके भी इकट्ठे ही सर्टिफिकेट साढ़े को मानयोग एस पी सूद साहब जो कि सैशन जज तरन तारण ने आए ने मैं उन्होंने बेनती करा ताकि वो मंच से आते असी ताकि अपनी नाल इंट्रोडक्शन के नाल असी सर्टिफिकेट्स भी दे सकें। Thank you, sir. Sir, please stay still. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਟਕ ਮਾਨਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਦ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਰੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ
पुनीत वत्स, सुविधा दुक्कल, मनदीप कौर, निक्की मनदीप साडे कॉस्ट्यूम सारा यही हैंडल कर रही सी। एंड आज मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूं कि कल बहुत सारे लोग ऑडियंस जी वो देख नहीं सी आ सके साडा शो जस्ट बिकॉज कि कपिल का शो चल रहा सी अमृतसर दे विच लाइव। तो मैं माण महसूस कर रही हूं कि इस निक्की निके पैकेट ते वड्डे धमाके ने कल उत्थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिती ते कपिल ने बहुत तारीफ की। सो वी हैव अ गुड टाइम। अशोक अजीज जिन्हें सैट चेंज हो रहा सी, कोई भी प्रॉपर्टी सानू चाहिए होंगी सी, सारे का सारा अशोक अजीज ये काम करता सी। जसवंत मिंटू ये कल साडे नाल लाइट्स ते साथ दे रहे सी ते अज ये कैमरा हैंडल कर रहे सी, सो थैंक्स अ लॉट जसवंत। रावी सिंह इन्हें म्यूजिक जिन्ना तुसी सुन रहे सी सारा ऑपरेट ही कर रही सी। ये जिहड़े खूबसूरत तुसी गीत सुन रहे सीगे वो गीत लिखे सी विशाल जी ने, विशाल जी इत्थे आए हुए ने, प्लीज विशाल जी तुसी स्टेज ते आओ ते साडे वालों एक छोटा जिहा याद चिन्ह जिहड़ा हैगा वो लैके जाओ प्लीज विशाल जी। ते साडा सारा प्रोडक्शन जो हैंडल कर रहा सीगा एक एक पैसे का हिसाब रख रहा सी, कई बार कलाकारों नूं कहिंदा सी खबरदार तुहाडे लई मैं इस तों वध पैसे नहीं खर्चने, पर वो मैं फिर कह दिंदी सी नहीं कोई गल नहीं कर दे, ते वो सारा हैंडल कर रहा सी प्रगट सिंह। अज के इस नाटक के कल के नाटक दोनों नाटकों के लेखक ते निर्देशक दीप मनदीप जी, सर प्लीज जाओ ना। असी अपने ग्रुप वालों एक मान का चिन्ह हैगा जरा असी ब्रैड साहब नूं कहांगे, प्लीज सर तुसी सूद साहब नूं प्रेजेंट करो। थैंक्स अ लॉट सर जो तुसी आए ते साडा मान वधाया। सर तुसी कुछ दो शब्द कहना चाहोगे प्लीज। Congratulate director producer of these plays rather. In fact, I couldn't make it to yesterday, but I'm extremely happy to be here and a part of this festival. And at the same moment, I want to appreciate Mr. Brad for setting up and creating such a wonderful atmosphere and equipment, state-of-the-art technology, for providing to fulfill ambitions of such budding actors. Thank you so much. Thank you sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ 6:30 PM ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਟਕ ਕੁਦੇਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 12-13 ਨੂੰ। 14 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਨੂੰ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੋਏਗਾ 19-20 ਨੂੰ। ਫਿਰ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਨੂੰ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ। ਇਹ 23 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
अप्रैल दे विच वी इसे तरह लगातार नाटक जिहड़े हैगे बहुत सारे नाटक तुहानूं असीं दिखावांगे कुछ बाहरों टीम जाणगीआं कुछ असीं अपने नाटक दिखावांगे तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद बाहर तुसीं जाण लग्गिआ जरूर तीन बोर्ड जिहड़े आ पढ़ लैणे और जेकर तुहानूं इह नाटक बहुत अच्छा लग्गिआ होवे तां इक बोर्ड दे उपर ग्रीन लाइट जग रही है ते ओह ग्रीन बटन जरूर प्रैस कर देना ताकि पता लग जाए कि किन्ने परसेंट लोगों ने नाटक नूं पसंद किया असी क्यों अगे तो अगे असी जिहड़े प्रोग्राम च बनाने हुंदे आ ओह असी उस दे मुताबक बनाने एक साड़ी छोटी कलाकार बाणी नाटक दे विच जिहड़ी तुसी छोटे बच्चे दी वॉइस सुन रहे सी ओह सी बट अदरवाइज मेरा छोटा बच्चा है जिहड़ा सब तो ज्यादा सानू तंग करदा है पर यही इहदी सब तो वड्डी खूबी है सो क्लैप फॉर हिम।